जी मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ की वैकेंसी की बड़ी धूम मची हुई है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी को लेकर के आप लोगों के अंदर भी ये है कि इस बार हमें फाइनल करना है और इस बार एक परीक्षा मतलब एक पद या एक पोस्ट हमें भी चाहिए। तो उस पोस्ट को पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए कुछ चीज़ें आपको अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि GS सबसे महत्वपूर्ण होता है। GS प्री और मेंस में आता है, प्री में 140 नंबर का और मेंस में 120 नंबर का। अब 140 नंबर का जो आता है वो और 120 नंबर का GS जो आता है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे और इसकी तैयारी में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे और बदलता पैटर्न क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, परीक्षा से पहले एनालिसिस ज़रूरी है और ये हमने पेपर भी लगाया हुआ है। ऐसे पेपर इसके अंदर हम कई पेपर इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2013 से लेकर के अभी तक बदलते जो है परिदृश्य में या बदलते समय में कैसे धीरे धीरे पेपर का पैटर्न बदला है और कैसे धीरे धीरे पेपर सरल से कठिन की तरफ गया है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस तैयारी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्या उसमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्या कुछ अलग से कंटेंट्स पढ़ने की जरूरत है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा और आज हम वो चीज़ें सारी आपके सामने डिस्कस करेंगे जिससे कि आने वाला एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्रैक हो। देखिए, एक पेपर ये हमने लगाया है, दूसरा पेपर लगाया है, ये तीसरा पेपर लगाया है, ठीक है ना। ये तीन पेपर का डिस्कशन हम आपको देंगे और बताएंगे क्या क्या कहाँ से बन सकते हैं प्रश्न। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ऐसे बन सकता है, तो वहां पर जाकर के हमें हिट करना है। और जो अनावश्यक लगता है यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो आपको अंदाजा लग जाएगा, तो वहां पर थोड़ा सा कम मेहनत करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कि पेपर पैटर्न कितना बदल रहा है ये भी आपको देखना है और पिछले वर्ष के पेपर से कितना बदल गया है इस बार का पेपर मतलब 2021 का, और साथ में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि सर्वाधिक GS क्वेश्चन सही हो सके। मतलब इन पॉइंट पे आपको हम आज बताने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पे आपको आज एक अच्छी सीख मिलेगी और अच्छा तभी आपका जो है जो ये मिशन सचिवालय है सफल हो पाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने जो है पॉइंट पे और बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको आज समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेबस, ठीक है ना। जो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है, ये है। देखिए, समीक्षा अधिकारी का जो GS का पेपर होता है, GS का जो सिलेबस है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी सिलेबस से हम अभी पेपर आपको दिखाने वाले हैं और जो पेपर पिछले वर्षों में बने हुए हैं उन पेपर्स में किस तरह से पेपर का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा थोड़ा कठिन होता चला गया है और वर्तमान में जो स्थिति है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकती है, पेपर कठिन हो सकता है या पेपर सरल हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है। कि तो आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर, 140 प्रश्न और 140 का पूर्णांक, ये प्राइमरी मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी स्थिति है, ठीक है ना। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य इतिहास पूछा जाएगा, जो है भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और संस्कृति से क्वेश्चन बनेगा, भारतीय वाणिज्य कृषि वाणिज्य और व्यापार से क्वेश्चन बनेगा, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण से क्वेश्चन बनेगा, विश्व भूगोल से बनेगा, भारत का भूगोल से बनेगा, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटना से अर्थात करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा, यूपी स्पेशल में क्या है, कला संस्कृति है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी आपको रखनी है। तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब इनको पढ़ते तो सारे लोग हैं, है ना, सारे टीचर्स यूट्यूब में तो एकदम जो है जो भी चैप्टर आपको लेना है उस चैप्टर से दसियों लेक्चर मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पढ़ तो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे जो टीचर को पता है वो बता रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, लेना क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लेक्चर तो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा लेक्चर किस तरीके से लेना है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे खाना इतना है, आप देख इतना रहे हैं, या मुझे ज़रूरत जो है कुछ और है और वो मिल वहाँ कुछ और रहा है, तो ये आपको जानकारी होगी तभी आप इस भीड़ पे अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसी पे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और वो सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे भी क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनता है। ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए पेपर की बात करते हैं, तो पेपर 2014 की, अगर हम 2014 का पेपर आपके सामने रखते हैं और इसमें हम आज समझाने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको डिस्कस करेंगे, अब वो है जो सब्जेक्ट है जो आज हमने लिया है वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है ना। मतलब कि जो इतिहास है,
इतिहास को अगर आप पढ़ रहे हैं, और देखिए ये जो सिद्धांत है वो सारे सब्जेक्ट में लागू होगा, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, और चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजव्यवस्था हो, चाहे करंट अफेयर्स या यूपी स्पेशल हो, ठीक है ना। तो ये सारे में लागू होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आपको मैं 2014 का पेपर डिस्कस करूँगा, 2016 में पेपर आया था वो डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद में 2020 में पेपर हुआ है वो डिस्कस करूंगा, ठीक ना। 2020 वाला मतलब 2017 वाला था, और 2021 में री एग्जाम हुआ है जो 2016 का। ये चार पेपर जीएस के हम आपके सामने रखेंगे, और आप देखिएगा कैसे कैसे इसका पैटर्न बदला है। मतलब कि ये जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री पूछा गया है, इस हिस्ट्री में बदलाव क्या क्या हुआ है, ठीक ना। जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व पेपर है, और इसमें ये आपको मार्केट में मिल भी जाएगा, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इससे आपको सीख क्या मिलेगी कि 2014 से लेकर के 2023 में कितना बदलाव हो गया है, और आपको अपने पढ़ने के तरीके में कितना बदलाव करना है, अपने कंटेंट्स में कितना बदलाव करना है, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो 2014 के पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते थे, नैनार कौन थे। अब नैनार आपको पता ही है, ठीक ना, ना अति सुंदर मणिक समंदर, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सैव से संबंधित है। तो ये सीधे सीधे सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है, ठीक ना, गोपथ ब्राह्मण किससे किससे संबंधित है, किस वेद से, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था, इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो मुझे लगता है जो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बहुत इजी है, और जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो सारी चीज़ें बताते हुए चलता ही है। तो ये तो आपका हो गया 2014 का पेपर, ठीक है ना। अब ये 2014 का हिस्ट्री का पेपर है, अब मैं आपको चलता हूँ लेकर के 2016 के हिस्ट्री के पेपर में। अब देखिए थोड़ा सा 2016 का जो हिस्ट्री का पेपर था 14 से 2 साल बाद थोड़ा सा अपडेट हुआ है, थोड़ा सा कठिन की तरफ बढ़ा है, और कठिन क्वेश्चन रखे गए हैं। अब चलिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए, माया, एजटेक, मुयस्का, इंका, माया, मुयस्का, इंका, एजट। अब ये बताओ ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में कभी नॉर्मली पढ़ा हुआ है क्या, नहीं पढ़ा हुआ है ना। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, पुष्यमित्र सुंग के लिए, खारवेल के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, सुशर्मन के लिए। तो जाहिर बात है इसको आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें पुष्यमित्र सुंग था उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध का संकलन है, शब्दों का संकलन है। अब यहाँ पे भी आपको लगता है कथा ऐसी क्या कथा होती थी क्या, स्रोतों का संकलन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ सर इसमें शब्दों का संकलन नहीं हो सकता है, युद्धों का संकलन नहीं हो सकता, कथाओं का संकलन नहीं हो सकता है, स्रोतों का संकलन हो सकता है। तो आपको यहाँ और यहाँ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी आप अपने जो है उस पर पहुँच सकते हैं। समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, जहांगीर का, औरंगजेब का, शाहजहाँ का, दारा सिकोह का। तो आप बता सकते हैं यहाँ अकबर नहीं है, यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं है, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जहांगीर के समय की बात है ना। अब देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उससे वो जो 14 में क्वेश्चन पूछा गया उसे थोड़ा सा कठिन बनाया गया। वैसे ही यहां पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हिस्ट्री के 2016 में कम हुए और थोड़ा सा कठिन हो गया। अब इसके बाद वाली कंडीशन देखिएगा, 2018 वाला क्वेश्चन पेपर बना है, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन कम और उसका स्तर ज्यादा कर दिया गया है। अब देखिए इसमें आचार और सिद्धांत पूछेगा, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एंशियंट हिस्ट्री से पिछले बार 10 क्वेश्चन आए हैं तो इस बार भी 10 क्वेश्चन आएंगे। इस बार हो सकता है मेडिवल से बढ़ा दें, मेडिवल से नहीं बढ़ाएगा तो हो सकता है मॉडर्न से बढ़ा दें। तो ऑल ओवर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो अगर एवरेज 20 से 25 बन रहे थे तो 20 से 25 बनेंगे, लेकिन आप हिस्ट्री में आपने देखा हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा है, हिस्ट्री में खूब मेहनत कर रहे हो और हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको बैलेंस तरीके से उसको देखना है, और आपको ये देखना है कि हाँ जिस चैप्टर से पिछले बार क्वेश्चन बन चुका है उससे इस बार नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। वो एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा जब आप इस पेपर को अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अभिलेख और शासक बताना है, नासिक अभी आपने पढ़ा, हाथी गुफा अभिलेख, भीतरी अभिलेख, गिरनार। तो ये आप इसको बताना क्या है कि सुमेलित नहीं है बताना है, एक इसमें गड़बड़ है उसको आपको बताना है। जैसे भीतरी अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय दिखा रहा है, तो पुलकेशिन द्वितीय नहीं, भीतरी अभिलेख आपको पता ही है, ठीक ना, किसका है। दो ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, तो आप इसको बता सकते हो कि ये सर स्कंदगुप्त का है कि कुमारगुप्त का है, और ये आपको क्लियर हो गया कि पुलकेशिन द्वितीय शासक उस युग का था ही नहीं, ये गुप्तों की बात हो रही है।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आप पेपर आप देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा इसमें कुछ अब बहुत सरल सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए नहीं बन रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये तो इजी है, सीधे सीधे बना हुआ है, लेकिन अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बनने लगे, नहीं ये कथन कारण वाले या सुमेलित वाले, अब देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सुमेलित वाले, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये थोड़ा सा ना एक पैटर्न बदला, ये लगभग ये पीसीएस के जैसे आ गया है ना, पीसीएस और आईएएस को कंबाइन करा करके आरओ का पेपर बनाने लगा। तो ये 2018 में 14 से 18 में इतना परिवर्तन हो गया। उसके बाद आप देखिएगा अभी जो पेपर बना है पिछले वर्ष उसको भी आप देखिए थोड़ा सा, देखिए सारे क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है कि भाई आपको ये रहे कि हाँ जानकारी रहे कि हाँ ये 2020 का पेपर है, 2020 में देखिए थोड़ा सा क्या काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। अब इसमें ये इसमें तो क्वेश्चन नहीं है हिस्ट्री के, इसके सेकेंड वाले पेज में हमने लगाया हुआ है। ये देखिए दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, सीधे सीधे क्वेश्चन एक बना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, रशीद अली, पी के सहगल, शाहनवाज, बी सी दत्त। मॉडर्न हिस्ट्री का अब यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन इस वाले पेपर में नहीं दिखा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ठीक ना, इब्राहिम का इब्राहिम खां गर्दी, हकीम सूर, तरगी बेग और महमूद लोदी। 1942 में, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हिस्ट्री के हमने इसमें छांट के रखे और इसमें आपको पता चल रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री का नहीं है और सारे के सारे क्वेश्चन मॉडर्न से रखे गए हैं। अब डिसबैलेंस हो गया, जिसने आपने पहले आपने देखा एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन रखे थे, इस बार एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं। और 2024 में 14 में जो क्वेश्चन बना था उससे बहुत इजी आ गया। अब जो लास्ट पेपर अभी हुआ है 5 दिसंबर 21 को जो पेपर हुआ है ये प्री के हैं, मेंस वाला भी हमने डिस्कस नहीं किया है, मेंस का इसके बाद में भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है ना, डुअर्ड बारबोसा था, डोमिंगो पेस था, पीटर मुंडी था और फर्नांडो नुनीज था। अब इसमें आपको बताना है कि कौन था अंग्रेजों के। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन कितने बने एंशियंट हिस्ट्री में, ये इस पेपर के 2021 के हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं वो हमने सारे यहाँ पे टाइप करा करके आपके सामने डिस्प्ले किया है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। वैसे ही अब देखिए सुल्तान के सम्राट की सीमाओं की सुरक्षा है तो विशेष सेना की नियुक्ति इल्तुतमिश ने की थी कि नासिरुद्दीन महमूद ने की थी, बलबन ने देखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, है ना। तो ये मुगल से बना लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से पूरे के पूरे क्वेश्चन गायब है, सिर्फ ये आया, ये भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बने हैं। एक क्वेश्चन आपका एंशियंट हिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। अब हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्धन, नंदीवर्धन या पल्लव, नंदीवर्मन पल्लव वंश। तो आपने पूरा का पूरा पेपर देख लिया ना। अब इसमें क्या है कि हमने 5 साल का पेपर आपको बताया, इसमें से क्या आपको पता चला, क्या सीख मिली, आपने ये सीखा कि 2014 में जिस तरह से एक वन लाइनर क्वेश्चन बनता था, इजी बनता था, उससे पैटर्न बदला, पीसीएस वाले फॉर्म में आ गए कि मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम 3 अगर ऑप्शन आपको पता है तो आप कर पाएंगे। और लास्ट में क्या हुआ कि पूरा का पूरा सेक्शन ही गायब करने लगे और यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला, एंशियंट हिस्ट्री से बना नहीं, मेडिवल हिस्ट्री से 1-2 बने, मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन था। तो अब आने वाला जो पेपर इसके बाद वाला है वो है 2023 का, जिसको आप तैयार कर रहे हैं। अब इसमें क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, तो कुछ तो अंदाजा में चली गया होगा ना कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा हो सकता है और जिस तरह से यहां पूछा जा रहा है पूरा का पूरा पैटर्न आईएएस और पीसीएस के लेवल में लेके जा सकते हैं, है ना। तो उस तरह से आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में और बहुत सतही में और बहुत एकदम हल्के नोट्स पढ़ के आप सोचे कि बन जाएंगे तो वहां मिलेगा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इतने कम समय में आप जो है सारा कुछ रिवीजन कर लें, डीप रिवीजन कर लें, तो कम से कम 6 से 8 घंटे आपको घर पे देना पड़ेगा। और आपने पढ़ा अच्छे से, समझ में आया कि नहीं, उसके लिए फ्री क्लास ये 9 से 10 चल रही है, पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग रेगुलर क्लासें आपकी मिल रही हैं 9 से 10। आप जुड़ करके अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि फ्री में ही बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।